हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अब से एक हफ्ते पहले मैंने सैमसंग का सबसे सस्ता 5G मोबाइल लिया है। 5G मोबाइल इसलिए लिया है क्योंकि 5G नेट चलाना है, ऑफिशियली बात है, और मेरे पास जियो का सिम है। जब मेरा 5G मोबाइल मेरे पास आ गया, मैंने उसमें सिम डाल लिया, तो मेरा उसमें 5G नेट नहीं चला। 3-4 दिन तक मैं परेशान रहा। मैंने अलग अलग सेटिंग की, जियो का वेलकम ऑफर के लिए ट्राई किया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके पास जियो का सिम हो और आपने किसी भी कंपनी का 5G मोबाइल ले लिया हो और आप वेलकम ऑफर का इंतजार कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका 5G नेट कितने दिन में चल जाएगा, क्या सेटिंग आपको करनी है, तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इन सभी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माई जियो एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैंने अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर में ऑप्शन आता है मोबाइल वाला, तो हम मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा वेलकम ऑफर होता है या 5G ट्रायल होता है, सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी जाती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 5G ट्रायल अनलिमिटेड, यानी मुझे 5G का अनलिमिटेड ट्रायल मिल चुका है। अगर आपके पास 5G सिम है और 5G मोबाइल है, तो आप अनलिमिटेड 5G नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, यदि आपके पास जियो का पहले से 4G सिम अवेलेबल है, तो आपको कोई भी नया सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे अपग्रेड कराने की ज़रूरत है। आपका डायरेक्ट 5G नेट चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर भी आपको दिखाएगा, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है और यहाँ पर लिखा है ट्रू 5G, यानी आप 5G सर्विस का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इसमें 5G सर्विस यहाँ पर चालू हो चुकी है। मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। जब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके सिम में 5G का वेलकम ऑफर आ गया है नहीं, क्योंकि जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो आपको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ऐप में सबसे पहले ऑफर अपडेट हो जाता है। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यदि आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, तो समझ लेना यहाँ पर आपको वेलकम ऑफर मिल चुका है। यहाँ पर लिखा है ट्रू 5G, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन अपग्रेड टू जियो, वेलकम ऑफर अनलॉक ट्रू 5G, यानी गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आप 5G नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी आपने मोबाइल लिया है, आप उसमें ट्रायल करना चाहते हैं कि उसमें जियो का 5G ऑफर चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको 5G डिवाइस चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस जियो 5G को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। अब जब दोस्तों आपके पास इस तरीके का वेलकम ऑफर आ जाएगा, तो गेट स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अनलिमिटेड 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी स्पीड लगभग 1 GB प्रति सेकंड होगी, यानी काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। और यहाँ पर वेलकम ऑफर आपके पास आ चुका है और जो आपका मोबाइल है वो 5G को सपोर्ट करता है। यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आपका हैंडसेट है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट है या नहीं, यानी आप अगर कोई नया भी मोबाइल लेते हैं उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, तो उसको ज़रूर अपडेट करना है। जब भी यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे, अपडेट नाउ और आई हैव अपडेट, तो आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना मोबाइल को अपडेट किया था, क्योंकि मोबाइल को अपडेट करने के बाद ही हमारे मोबाइल पर जियो का वेलकम ऑफर आया था। यदि आपने नया मोबाइल लिया है या आपके पास पहले से मोबाइल है और आपने जियो का सिम डाला है 5G नेट चलाने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद यहाँ पर नंबर 4 पर ऑप्शन है हैंडसेट 5G सेटिंग, यानी जो भी आपका मोबाइल है उसे आपको 5G सेटिंग को इनेबल कर लेना है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी 5G सेटिंग यहाँ पर इनेबल नहीं होगी। तो उसके लिए आपके पास जो भी मोबाइल है 5G वाले ऑप्शन में आना है, कनेक्शन सेटिंग पर क्लिक करना है। कनेक्शन सेटिंग के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन मोबाइल नेटवर्क का। मोबाइल नेटवर्क के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क मोड का। तो नेटवर्क मोड का जो आपके सामने ऑप्शन आता है, उसमें यहाँ पर ऊपर लिखा है 5G LTE 3G 2G ऑटो, तो इस वाले ऑप्शन पे ही आपको यहाँ पर चालू रखना है। यदि आप LTE पे रखेंगे, 3G 2G पे रखेंगे या LTE ओनली पे रखेंगे, तो इसमें यहाँ पर आपका 5G नेट नहीं चलेगा। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करके रख लेना है, इसमें यहाँ पर आपका 5G नेट चलेगा। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप वेलकम ऑफर का इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर वेलकम ऑफर आता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कस्टमर केयर से बात करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक आपका वेलकम ऑफर 2 से 3 दिन में आ जाएगा, किसी किसी का 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको 5G ने और जब यहाँ पर आपको 5G नेटवर्क चल जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर सो जाएगा 5G यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे केस में 5G इसलिए नहीं लिखा हुआ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो 5G हमारे ट्रायल वर्जन में है,
कभी कभी हमारे नेटवर्क यहाँ पर 5G के आ जाते हैं, कभी कभी 4G के आ जाते हैं। अगर मैं अपने हैंडसेट को अभी रिस्टार्ट करता हूँ या नेट चालू या बंद करता हूँ या मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगाकर हटा देता हूँ तो यहाँ पर 5G का आराम से यहाँ पर आ जाएगा और स्पीड भी बहुत अच्छी है, लगभग 200 MB प्रति सेकंड की डाउनलोडिंग यहाँ पर स्पीड मिल जाती है और अपलोडिंग में लगभग आपको 50 MB प्रति सेकंड की यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है। जियो तो ये बोलता है कि 1 GB प्रति सेकंड तक की आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन हमने तो अभी तक नहीं देखा। लगभग 200-300 MB प्रति सेकंड की यहाँ पर आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी स्पीड है। आप डाउनलोडिंग में या वीडियो देखने में उसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों यही थी छोटी सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने जियो सिम में 5G नेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।